सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। एक ही समय में रामायण में राम भी है और हनुमान भी है। हनुमान को पूछ लगाया, वो इंसान की तरह बोलता है रामायण सीरियल में। जैसा राम बोलता है वैसा ही हनुमान बोलता है। अगर जैसा राम बोलता है वैसा ही हनुमान बोलता है तो हनुमान को पूछ क्यों है और राम को पूछ क्यों नहीं है? अगर एक ही समय के लोग हैं और एक ही तरह का बोली बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, तो हनुमान को पूछ क्यों है और राम को पूछ क्यों नहीं है? अगर दोनों समकालीन थे तो हनुमान को पूछे। तो अगर आपका ये कहना है कि उस समय के लोगों को पूछ हुआ करती थी तो थोड़ी सी पूछ राम को भी लगा देते तो हम मानते थे हाँ उस समय के लोगों को पूछ हुआ करती थी। चलो हनुमान को ज्यादा बड़ी पूछ लगाया, इतनी बड़ी पूछ आप राम को ना लगाते, थोड़ी छोटी लगाते, तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेते, मान लेते। मगर हमारे हनुमान को आपने पूछ लगा दिया और तुम्हारे राम को पूछ नहीं लगाया, ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि तुम हमको जानवर बताना चाहते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। रामायण कहता है हनुमान एक राज्य का राजा था। अगर हनुमान राज्य का राजा था तो जानवर राजा कैसे हो गया? ये समझने से बात है। ये उन्होंने ही लिखा हुआ है। जिन्होंने लिखा उनके पास बुद्धि थी या नहीं थी पता ही नहीं चल रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बातें जो तर्क पर, दलील पर, तथ्य पर सिद्ध नहीं हो सकती, उसे वो मनवा रहे हैं और हमारे अंदर के कुछ लोग इस बात को मान रहे हैं, तो वो हमारे ही विरोध में हमारे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक जागृति है।